जल्दी से क्यूको सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी में ऑल मार के सेव कर दीजिए। थैंक यू। तो जैसे कि गाइस, मैंने 100 रुपीज का गिवअवे रखा था, तो आज गिवअवे का रिजल्ट आ गया। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, क्योंकि वीडियो में कहीं भी मैं गिवअवे का जो रिजल्ट है वो रख सकता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूको सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निक नंबर 7। और पहली टेक्निक आ रही है रियलमी की तरफ से, रियलमी C1 जो लॉन्च होने वाला है, हो गए है। और उसकी प्राइस रेंज भी आ गई है 4GB 64GB और 6GB 64GB। 4GB 64GB का प्राइस 12,999 है और 6GB 64GB का प्राइस 14,999 है। इस फोन में 30W सपोर्ट करता है, लेकिन इसके इनबॉक्स में हमें दिया गया है 20W, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। ये हमारा रियलमी 6 का डाउनग्रेड है। 2000 मिला के रियलमी 6 ले लीजिए, उसमें 64MP क्वाड कैमरा भी मिल रहा है। इसे भी रियलमी की 6 का डबिंग ही है, इसमें सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। चलते हैं टेक्निक नंबर 2 पे। टेक्निक नंबर 2 आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स ने अभी लॉन्च कर दिया है अपनी ट्रू वायरलेस एयरबॉड, जिसका नाम है इन्फिनिक्स नॉक आई रॉकर TWN वायरलेस। लॉन्च हो चुका है और इसका प्राइस है 1499, मतलब 1500 में आपको मिल रहा है ये एयरपोर्ट। इसकी सिंगल चार्ज दे रहा है 4 घंटे का, और इसका बॉक्स जो होता है उसके साथ आ रहा है आपको 20 घंटे का चार्जिंग। टेक्निक नंबर 3 आ रहा है आईफोन की तरफ से, और आईफोन 11 अभी लॉन्च होगा हमारे इंडिया में। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आईफोन 11 का, तो चाइना से लाने के लिए उनको चार्ज भी ज़्यादा लग रहा है, और इम्पोर्ट चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, और एक्सपोर्ट चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसाइड किया, जिससे उनकी प्राइस कमेगा और आईफोन का प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अगली टेस्ट न्यूज़ आ रही है LG की तरफ से, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अभी गूगल पे कंसोल में 2 फोन LG का लीक हुआ है, जिसका नाम K42 और K22 है। तो K42 और K22 में डिफरेंस क्या है? K42 में मिल रहा है आपको हीलियो P22 प्रोसेसर, जो कि बहुत डाउनग्रेड है, 2 साल पहले का ये प्रोसेसर है। और सेकेंडली A22 जो लीक हुआ था, उसमें आ रहा है Snapdragon 215। तो Snapdragon 215 तो कुछ 4 साल पुराना प्रोसेसर है, तो इतना डाउनग्रेड प्रोसेसर देने से अच्छा वो फोन ही मत बनाओ। इसका नाम होने से इसका प्राइस भी ज़्यादा ही होगा, तो कोई खरीदने का सवाल ही नहीं करता है, एटलीस्ट इंडिया में कोई खरीदेगा नहीं। टेक्निक्स आ रही है रियलमी की तरफ से, रियलमी C15 जो 28 को लॉन्च होने वाला पता लग गया है, क्योंकि ये लीक हो गया था। और इसका प्रोसेसर है हीलियो G35, तो इसका प्रोसेसर लीक हो गया है और इसका प्रोसेसर है G35, और ये आपको 6000mAh की बैटरी के साथ और 18W का फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा। तो देखते हैं और क्या क्या नया फीचर इसमें डाला जाएगा। भी आता है रियलमी की तरफ से रियलमी B15, जो रियलमी न्यू सीरीज बोल रहे थे वही नाम लिया गया था, वो रियलमी B15 है। हो चुका है कि ये 5G प्रोसेसर के साथ ही आएगा, तो हमारे हिसाब से या फिर ये हो सकता है 8 MediaTek 800, या हो सकता है स्नैपड्रैगन का कोई भी न्यू प्रोसेसर। अगली टेक न्यूज आ रही है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की तरफ से। अभी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की न्यू सीरीज लॉन्च हो रही है, जैसे हमारे रियलमी अभी न्यू सीरीज निकाला है, वैसे ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी 1, 2, 3, 4 ऐसे सीक्वल नंबर से अलग नाम रखा है, और इसका नाम है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स, जो आपको 2 मीटर ऊपर से भी अगर ड्रॉ करोगे तो वो टूटेगा नहीं। बाकी ये नॉन कॉर्निंग ग्लास जो है वो 0.3 मीटर से ही गिर के ब्रेक हो जाते, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक ही ड्रॉप टेस्ट संभाल पाते हैं, लेकिन ये 2 मीटर से भी गिरेगा तो उतना ज़्यादा ब्रेक होगा नहीं कुछ, हाँ कुछ स्क्रेच हो सकता है। अभी बहुत सारे
टेस्ट किए हैं जिसमें थोड़ा स्क्रैच आया है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। और ये जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पिक्टोस है ये पहले आएगा हमारे सैमसंग के मोबाइल पे, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन कौन से मोबाइल पे लॉन्च होगा वो किसी को पता है। तो चलेगा ऐसे अभी शुरू करते हैं, हमारे दुबे का रिजल्ट निकालते हैं अभी। तो अभी ओपन करते हैं हमारे यूट्यूब, और जैसे कि देख सकते हो ये मेरा यूट्यूब चैनल है क्यूकू सीरीज। देन हम चलते हैं अब चैलेंज पे, और उसके बाद हम वो वीडियो को ढूंढते हैं। और ये रहा वीडियो हमारा गिवे वाला। तो जैसे कि अभी मैं देख सकते हो कॉपी कर रहा हूँ इसका लिंक, और अभी मैं कमेंट भी दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि जल्दी से क्यूकू सीरीज को सब्सक्राइब करें, और इसमें 22 लाइक आया है, तो 9 कमेंट आया है। देखते हैं कितने रियल है और कितने डुप्लीकेट है। तो अभी चैलेंज कॉपी करने के बाद चलते हैं हमारे क्रोम पे। तो क्रोम पे जाके हमारा साइट है जिससे मैं रेंडमली चूज करूँगा। तो अभी मैं डैशबोर्ड में आ गया, तो अभी देखते हैं। तो अभी हम चले गए इधर से, जूम किया, देखो ऊपर लिखा है कमेंट पिकर बोल के। तो इधर ओपन किया मैंने अभी, तो अभी डुप्लीकेट में मैंने मारा हूँ, डुप्लीकेट कमेंट मुझे नहीं चाहिए, तो सिंगल कमेंट ही आएगा। तो अभी मैं इस पर कॉपी लिंक किया, और उसके बाद अभी हम क्लिक कर रहे हैं। तो कितने कमेंट आए हैं टोटल देखते हैं। तो रियल कमेंट है हमारा 5, तो 5 लोगों में से किसको मिलता है देखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट कर चुके हैं। अभी देख सकते हो रेंडमली उन लोगों का नाम दिखा रहा है जो कमेंट किए हैं, और ये विनर आ गए शुभम पाड़ी, और ये कमेंट किए हैं प्लीज़ आई नीड मनी, मुझे चाहिए ब्रो। तो आप जीत गए हो, आपको ज़रूर मिलेगा। तो शुभम पाड़ी आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस जो है वो मैं शो कर रहा हूँ, तो आप उसमें मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सेंड कर दूँगा आपका मनी, और अगर जयपुर में हो तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको आके दे दूँगा भैया। एक न्यूज आ रहा है हमारे कुलपेड की तरफ से। हाँ पता है कुलपेड अभी दिखता ही नहीं है, कुलपेड के फोन तो बिल्कुल आते नहीं है, एक साल में एक बार आता है, लेकिन अभी कुलपेड हमारा स्मार्ट वॉच पे ध्यान दे रहा है। अभी कुलपेड ने ट्वीट किया है कि कुलपेड अभी लॉन्च करेगा अब स्मार्ट वॉच, कब तक करेगा कब होगा वो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन करेगा बोल के ट्वीट कर दिया है। तो देखते हैं कभी आता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे।